तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन। और ये वीडियो मैं यही मान के बना रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, कल को आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, जॉब में जाओगे, ऑफिसेज में जाओगे, देन आपको फॉर्मल शर्ट की नीड होगी। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फॉर्मल शर्ट्स हम अच्छा अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो गाइज इस वीडियो का पूरा देखिए, यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं और कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल शर्ट्स होते क्या हैं और साथ ही साथ फॉर्मल शर्ट के फिटिंग्स कैसा होना चाहिए, कलर्स कौन कौन अच्छे होते हैं फॉर्मल शर्ट्स के लिए, और फॉर्मल शर्ट को हम लोग किन किन पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ ब्रांड्स के बारे में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मल शर्ट्स अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गाइस चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं जो है अपना फॉर्मल शर्ट्स होते क्या हैं। तो गाइस इन सिंपल वर्ड बोले कि फॉर्मल शर्ट एक सिंगल कलर्ड शर्ट होते हैं जो लाइट कलर के बने होते हैं, जो ब्राइट और डार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर उस पर स्ट्राइप्स है तो स्ट्राइप्स काफ़ी मिनिमल होना चाहिए, और अगर चेक्ड भी है तो वो चेक भी काफ़ी मिनिमल होना चाहिए। अगर कोई आपको डिस्टेंस से देखता है तो वो चीज़ उसको फॉर्मल शर्ट और एक सिंगल कलर जैसा ही फील हो। अगर आपका फॉर्मल शर्ट टेक्स्चर्ड है तो वो टेक्स्चर्ड सेम कलर में होना चाहिए और इतना मिनिमल होना चाहिए कि वो इजीली पकड़ में नहीं आए। और इसके अलावा फॉर्मल शर्ट कोई शाइनी कलर नहीं होना चाहिए और ना ही फैंसी प्रिंट होना चाहिए। तो गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में हम एक बोनस पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाले जो फ्यूचर में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको लॉसेस से भी बचा सकता है। तो गाइस अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स के बारे में जो है फिटिंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फिट इज द किंग। तो भाई फॉर्मल शर्ट की फिट की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मल शर्ट आपके चेस्ट पार्ट पे उतना फिट होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट भी बनी रहे, फॉर्मल शर्ट का जो लुक है वो काफी अच्छा आए, और साथ ही साथ फॉर्मल शर्ट का जो लुक होता है वो हमारे शोल्डर के फिट पर भी काफी डिपेंड करता है। तो शोल्डर पे राइट टू फिट होना चाहिए। अगर आपका शोल्डर 17.5 इंचेस का है देन आप 17 इंचेस के शोल्डर लेंथ के लिए जा सकते हैं, और आपके आर्म फिट में फॉर्मल शर्ट काफी अच्छा फिट आना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पूरे बैक पार्ट पर भी फॉर्मल शर्ट अच्छा फिट होना चाहिए। अगर स्लिप्स की बात करें तो स्लिप्स की जो लेंथ होनी चाहिए आपकी रिस्ट की बोन्स जहां खत्म होते हैं वहीं तक होना चाहिए, और साथ ही साथ उनमें ज़्यादा इनफ स्पेस नहीं होना चाहिए, इनफ रूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर फ्रंट लेंथ की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन फैब्रिक खरीदते हैं या ऑनलाइन फॉर्मल शर्ट खरीदते हैं तो आप वन साइज ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि आपको अल्टर कराना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप टेलर से स्टिचिंग करवाते हैं तो आप उससे थोड़ा सा अपना जो फ्रंट लेंथ है बढ़ाकर रख सकते हैं, क्योंकि जब आप टकिंग करेंगे तो अपने हाथों को आप नॉर्मल जब ऊपर की तरफ उठाए या अगर कोई एक्टिविटी करे तो वो बाहर नहीं आ पाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो क्या जब हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कलर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनके फॉर्मल शर्ट्स अपने को अच्छे दिखते हैं। तो क्या अगर आप स्ट्राइप्स के लिए जाएंगे या सॉलिड के लिए जाएंगे, इन कलर्स को ही आप ध्यान में रखिएगा कि पहला जो अपना कलर है वो ब्लू कलर है और ये डार्क नहीं होना चाहिए, दूसरा जो अपना कलर है वो है वाइट, तीसरा है बेबी पिंक, चौथा मेरून, और पांचवा जो है लाइट येलो के लिए आप जा सकते हैं या लाइट पर्पल कलर के फॉर्मल शर्ट्स के लिए आप जा सकते हैं। इनके फॉर्मल शर्ट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और इसके अलावा अगर आप जहां जाएंगे उस एनवायरनमेंट में कौन कौन से कलर का मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ को कंसिडर करके आप फॉर्मल शर्ट्स के लिए जा सकते हैं, बट आपको ध्यान उतना ही रखना है कि वो ज़्यादा ब्राइट या ज़्यादा डार्क नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पर्पसेस के बारे में कि फॉर्मल शर्ट किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप फॉर्मल शर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, देन आप कॉलेज के इवेंट्स में भी फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, मीटिंग्स में जा सकते हैं, अगर आप डेट पे जाना चाहते हैं तो फॉर्मल शर्ट के साथ जा सकते हैं, और लास्ट में अगर लड़की वाले देखने आते हैं तो उस टाइम आपको फॉर्मल कपड़े में ही होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मल कपड़े उस टाइम ज़्यादा सूट करते हैं हमें और एक डिसेंट सिंपल और सोबर इंप्रेशन क्रिएट करते हैं सामने वाले पे। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे अब जो है ब्रांड्स। तो कुछ जो ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी अच्छे फॉर्मल शर्ट्स बनाते हैं, पहला जो अपना ब्रांड है वेनुशियन है, दूसरा जो है ब्लैकबेरी, तीसरा एरो, चौथा अपना लुई फिलिप्स, और पांचवा जो है रेमंड। इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी बजट में आते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर पाएंगे तो आप इन सब के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नीड है तो मैं कुछ बजट ब्रांड्स के लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो amazon.in पे अवेलेबल है, तो देन आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग बात करेंगे अब बोनस पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस बोनस पॉइंट यही है कि काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं जो डार्क और ब्राइट कलर को फॉर्मल नहीं मानती है, तो अगर आप डार्क कलर के फॉर्मल्स में इन्वेस्ट करते हैं देन वो एक टाइम के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, आप उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो फॉर्मल का जो अपना बोनस पॉइंट है कि फॉर्मल्स वैसे होते हैं कि जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, और वो जितने भी एम्प्लॉई है जो कलीग्स होते हैं सब एक जैसा सिमिलर दिखते हैं,
इसीलिए जो आप फॉर्मल में इन्वेस्ट करिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि वो लाइट कलर के हो, ज़्यादा डार्क या ब्राइट नहीं हो, और अगर डार्क और ब्राइट हो जाता है या ज़्यादा वाइब्रेंट स्ट्राइप या चेक हो तो आप सारे कलीग से डिफरेंट दिखेंगे या सारे जो इन्वायरमेंट है उसमें आप डिफरेंट दिखेंगे, जिससे आप आराम से दूसरे के नज़रों में आ जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। आप पे जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा वहाँ पे लोगों का ड्रेसिंग सेंस है, उसी हिसाब से आपको ड्रेसअप होना चाहिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके हमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, या हो सके तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आर माय लवली फ्रेंड्स।